हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने सोमवार को मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीन किस तरह से प्रयोग में ली जाएगी इस बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने इस मशीन के बारे में बारीकी से जानकारी देते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया तक इसे सुरक्षित मशीन बताते हुए कहा कि इसे लेकर भ्रांतियां उन्हें राजनीतिक दलों के समक्ष प्रदर्शन कर दूर किया जा रहा है। उन्होंने इन मशीनों को सुरक्षित स्थान पर रखने को लेकर भी विशेष बंदोबस्त किए जाने की जानकारी दी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ बिश्नोई भी मौजूद थे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।